होली और शबे बारात की छुट्टी के बाद बिहार विधानमंडल बजट सत्र की कार्रवाई आज फिर से शुरू होने वाली है। इस बार का विधानमंडल सत्र शुरुआत के साथ ही काफी हंगामेदार रहा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज का सत्र भी काफी हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हमला बोलने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठी हुई पार्टियां केंद्र सरकार के जरिए बिहार के विपक्ष में बैठी पार्टी भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश करेगी। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की रेड को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में अब होली और शबे बारात की छुट्टी के बाद बिहार में विधानमंडल बजट सत्र का कार्रवाई आज से शुरू होने वाला है। आज के दिन की शुरुआत के साथ ही यह आसार लगाए गए हैं कि भाजपा की तरफ से तेजस्वी यादव को लेकर सदन में हंगामा किया जाएगा, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजद इसके जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भाजपा का एजेंट बताकर उन पर हमलावर हो सकती है। वहीं सदन के अंदर आज की कार्रवाई की बात करें तो बिहार विधानमंडल बजट सत्र का संचालन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। आज के दिन सदन के अंदर अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे और शिक्षा विभाग से जुड़े ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि होली की छुट्टी से पहले राजद नेत्री और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी रेड करने पहुंची थी। यह रेड काफी लंबी चली थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने यह कहा था कि उनके यहां सब चलता रहता है। बता दें कि वहीं विधानसभा में विपक्ष को लेकर काफी हंगामा मचा दिया गया था, जिसके बाद अब आज सदन शुरू हो रहा है और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक तेजस्वी के यहाँ से 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीबीआई और ईडी के नजर में आई है और इसको लेकर भाजपा सदन के बाहर काफी हमलावर है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सदन के अंदर भी भाजपा तेजस्वी यादव को इन मामलों पर घेर सकती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।